ये त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में मिथिलापुरी नामक नगरी में राजा जनक नाम का एक राजा राज करते थे। उसी मिथिलापुरी को अभी लोग मिथिलांचल कहा करते हैं। राजा जनक बड़ा ही प्रतापी, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय एवं दयालु राजा थे। उनकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में थी। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना और पुत्री का नाम सीता और उर्मिला था। राजा के पास एक शिव का धनुष था। वे नित्य उस धनुष की पूजा किया करते थे। वे साधु संतों को भोजन कराकर भोजन किया करते थे। एक दिन एक महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, आपने अपना गुरु किसे बनाया है? क्योंकि उस वक्त तक राजा किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया था। राजा सोच में पड़ गया। महात्मा ने कहा, राजन, बिना गुरु ग्रहण किए मनुष्य के हाथ का दिया हुआ जल, दान एवं पूजा सार्थक नहीं होता है। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, पूरे भारतवर्ष में खबर फैला दीजिए कि राजा जनक बड़े बड़े विद्वानों को अपनी सभा में आने का निमंत्रण भेजा है। उस सभा में ऋषि मुनि, पंडित और वेदाचार्य होंगे। नियत तिथि को सारे विद्वान राजा जनक के सभा में उपस्थित हुए। सभा में उपस्थित होने के बाद राजा जनक ने घोषणा की, आगंतुक विद्वानों, आप सबों का राजा जनक के राजसभा में उपस्थिति मेरे लिए गौरव की बात है। ये सभा मैंने इसीलिए बुलाई है कि अभी तक मैंने अपने जीवन में गुरु ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए गुरु ग्रहण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप लोगों में से कोई एक हमारा गुरु होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस प्रश्न का उत्तर समय पर जो विद्वान देकर मुझे संतुष्ट करेंगे, उसे ही मैं अपना गुरु बनाऊंगा। वहां पर उपस्थित सभी विद्वानों के दिमाग में एक तरंग सी उठने लगी। तब राजा जनक ने अपनी शर्त कही और कहा कि मैं उसे ही अपना गुरु बनाऊंगा जो मुझे घोड़े पर चढ़ते समय, रकाब पर पैर रखते समय, काठी पर बैठने से पूर्व ही ज्ञान कराए। यदि आप सभी विद्वानों में जिसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो वह आगे आए। एक बात और, यदि हम संतुष्ट नहीं हुए तो दंड भी भुगतना होगा। सभी विद्वान यह सुनकर एक दूसरे का मुख देखने लगे। वहां उपस्थित विद्वानों में एक को छोड़कर किसी ने साहस नहीं किया। राजा अपने आसन पर विराजमान थे। उन विद्वानों के बीच ऐसा ही एक विद्वान था जिसका नाम था अष्टावक्र। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। यह बात सुनकर जब एक भी विद्वान को राजा के सामने नहीं आता देख, अष्टावक्र उठा और राजन के सामने उपस्थित हो गया। उनको देख राजा अचंभित हो गए। राजा सोचने लगा, इतने सारे विद्वानों में किसी ने हिम्मत नहीं किया मेरे सामने आकर मेरे प्रश्नों के उत्तर देने का, और यह मनुष्य मेरे सामने उपस्थित है। जरा यह कोई साधारण मानव नहीं है। इसलिए राजा ने आग्रह सहित उन्हें उनके आसन पर बिठाया और यह देखकर वहां जितने भी विद्वान उपस्थित थे सभी जोर से हंस दिए। उनको हंसते देख अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देख राजा बहुत दुखी हुए। थोड़ी देर बाद जब राजन उन विद्वानों से हंसी का कारण पूछा तो वे बताए कि हम लोग इसीलिए हंसे कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को पता नहीं, उस प्रश्न का उत्तर यह अष्टावक्र क्या देगा। राजन, आप हम लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर राजा ने अष्टावक्र से वही बात दोहराई और पूछा कि आपके हंसने का क्या कारण था मान्यवर। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, विद्वानों की इस सभा में मैं देख रहा हूं जितने भी आगंतुक आए हैं वे सभी मूर्ख हैं। आप तो यहाँ सभा में मूर्खों की मंडली को बुला लिया है। ये लोग अपनी विद्वता का घमंड में इतने धनी हैं, इसे सिर्फ लोगों का हाड़ मांस ही दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। इस बात से सारे विद्वानों का सिर शर्म से झुक गया। फिर सभी विद्वानों ने अष्टावक्र को प्रणाम किया और अपनी गलती स्वीकार की। अब अष्टावक्र चंदन की लकड़ी से बना आसन पर विराजमान हुए। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, यदि मैं आपको ज्ञान करा दिया तो आपको मेरा शिष्य बनना होगा। राजन ने कहा, यह तो पक्की बात है। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब मैं आपका गुरु बन गया और आप मेरे शिष्य, तो मुझे गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। राजा ने कहा, अवश्य, क्योंकि मुझे आपको ज्ञान का उपदेश तब देना है जब आप रकाब के ऊपर पैर रखेंगे। पैर रखते ही आप काठी पर बैठ जाएंगे और आप हवा की गति से दूर निकल जाएंगे। राजन ने कहा, हाँ, बात तो सत्य है। अष्टावक्र ने कहा, तो राजन, आप दक्षिणा मुझे पहले दे दीजिए। राजन ने कहा, बोलिए मुनिवर, क्या चाहिए दक्षिणा में आपको? अष्टावक्र ने राजन से कहा,
मुझे यदि देना ही है दक्षिणा तो तीन चीजों जैसे तन मन और धन इसमें से कोई एक दे दीजिए। अब राजा असमंजस की स्थिति में पड़ गया। सोचने लगा यदि तन देता हूँ तो रानी के साथ पूरे परिवार और प्रजा को कष्ट होगा, धन देता हूँ तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा, इसीलिए यदि मन देता हूँ तो इससे किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। यह सोचकर राजा ने अष्टावक्र से कहा, मुनिवर दक्षिणा में मैं अपना मन आपको अर्पित करता हूँ, आज से मेरे मन पर आपका अधिकार हुआ। अष्टावक्र मुनि ने कहा तथास्तु। फिर राजा को आदेश दिए कि राजन अब आप घोड़े पर चढ़ने की तैयारी करें। घोड़ा मंगवाया गया। जैसे ही राजा घोड़े के रकाब पर पैर रखा, अष्टावक्र ने कहा, राजन मेरे मन की इच्छा है कि आज आप घोड़े पर नहीं चढ़ें। यह बात सुनकर राजा रकाब से अपना पैर नीचे कर लिया और अष्टावक्र की ओर देखने लगा। घोड़े पर चढ़ने की इच्छा उनकी दूर हो गई। फिर अष्टावक्र ने राजन से कहा, मेरी इच्छा है आप अपने शरीर का लिबास उतार कर एक साधारण लिबास पहन लें। राजा उसी समय अपना लिबास उतारने लगा। जैसे ही वे अपना लिबास उतारना शुरू किए, उसी समय उनको ज्ञान हो गया कि मन पर काबू पाना, मन के पीछे स्वयं न लगना ही सभी सुखों का ज्ञान है, क्योंकि मन भटकता रहता है, यह चंचल है। राजा को पूर्ण ज्ञान हो गया और आंखें निर्मल हो गई। वे अब अष्टावक्र के इस कुरूप शरीर में ब्रह्म दर्शन कर लिया। फिर राजा सर्वतोभाव से अष्टावक्र मुनि को अपना गुरु मान लिया। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में गुरु ग्रहण करना चाहिए।